गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी आज हम डिप्लोमा का जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है उसका हम एक नंबर प्रैक्टिकल करेंगे, जिसका नाम है डिटरमाइन द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीई एंड सीबी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो ट्रांजिस्टर रहता है, जो ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। उसका तीन लेयर रहता है और वो दो टाइप का रहता है, NPN और PNP रहता है। उसमें तीन लेयर रहता है, एक को हम बेस, कलेक्टर और एमिटर बोलते हैं। तो एमिटर रहता है नेगेटिव, कलेक्टर रहता है पॉजिटिव, और बेस जो रहता है वो एक्टिवेट करता है, इस एक्टिवेट के लिए वो यूज किया जाता है। एमिटर और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हम इसका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम अभी करके देखेंगे। अब ये रहता है हमारा जो PNP ट्रांजिस्टर, और ये रहना और इसका जो PNP का सिंबल रहता है ऐसा रहता है, और NPN का उल्टा रहता है। इसका जो कॉमन बेस का सर्किट है वो ऐसा रहता है, और ये कॉमन एमिटर का कलेक्टर का जो सर्किट रहता है वो इस टाइप का रहता है। और इसका जो हम टेबुलेशन अभी करके देखेंगे, तो हमने लिया है ये जो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक अपार्टस विथ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसमें है दो ट्रांजिस्टर है और दो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ये दोनों आप देख सकते हैं, और चार दो वोल्टमीटर और दो एमिटर है। तो इसका जो कनेक्शन रहता है वो इस टाइप का रहता है, इसके हिसाब से हमने ये कनेक्ट किया है। अभी हम इसका जो प्रोसीडियर है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये VCB है, इसमें लिखा है VCB, ये वाला मीटर है, और VBE है जो ये है जो, और IE ये वाला मीटर है जिसमें IE हम मापेंगे। अभी हम VBE कांस्टेंट -2 वोल्ट पे रखेंगे, और इस ये वाला इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। आप देख सकते हैं अभी मैंने 0.2 लिया है, कोई भी रीडिंग नहीं है, 0.4 लिया है, कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, 0.6 वोल्ट लिया है। अभी आप देख सकते हैं 0 से अभी थोड़ा 50 मिली एम्पियर, मतलब हमारा ये 5 या 10 मिली एम्पियर करंट हमें दिखा रहा है। अभी 0.8 हमने कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं 130 मिली एम्पियर हमारा करंट लिया है। तो ये सब हम इस पर भी लिख सकते हैं, जो हमारा जो रहता है, मतलब पहले जो रहता है -2 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आता है। अभी हम ये रहा इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अभी हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। अभी हम इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में IE जो एमिटर करंट है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि ये वाला एमिटर है, और VCB मतलब ये वाला, इस पर हम रीडिंग देखेंगे, और IC मतलब कलेक्टर करंट ये वाला, इसमें हम देखेंगे कितना आता है। तो इस अभी हम इसको 10 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट करेंगे, देख सकते हैं ये 10 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट हो गया है। अभी इसको अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ 10 मिली एम्पियर पे, ये इस पर भी 10 मिली एम्पियर का रीडिंग आ रहा है। तो इसका हम थोड़ा वोल्टेज आप करेंगे, तो 2 वोल्ट कर दिया है, और इसका 20 मिली एम्पियर वोल्टेज आ गया है। अब इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे, तो आप देख सकते हैं हम 10 वोल्ट कर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ 20 मिली एम्पियर ही है और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इससे इसका अगर हम ग्राफ करेंगे तो ऐसा आएगा, ये क्या रहता है, एक सेचुरेशन पॉइंट में जाके कांस्टेंट हो जाता है और बढ़ता ही नहीं। तो ये है इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम
कॉमन एमिटर का करेंगे कनेक्शन। अभी हम कॉमन एमिटर का कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जो कि इसका ग्राफ ऐसा है। तो इसमें क्या रहता है, वी सी ई जो ये है, इसको हम -2 वोल्ट पे कांस्टेंट रखेंगे, और वी बी ई और इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, और आई बी मतलब बेस करंट इसमें मापेंगे, जो कि माइक्रो एम्पियर पे है। तो वी बी ई हमने दो वोल्ट पे रख दिया। अभी आप देख सकते हैं भी बी ई को हम अभी बढ़ाएंगे, जैसे 0.2 वोल्ट, और इसमें कुछ रीडिंग नहीं है, 0.4 वोल्ट और रीडिंग नहीं है, 0.6 वोल्ट पे आप देख सकते हैं 25 माइक्रो एम्पियर आ गया है हमारा। और इसके बाद 0.8 पे आप देख सकते हैं 250 माइक्रो एम्पियर रीडिंग दिखा रहा है। इसमें क्या रहता है, ये इसका जो लोअर वोल्टेज है, जिसका सेचुरेशन पॉइंट, अगर सेचुरेशन वोल्टेज अगर नहीं पहुंच पाता है तो ये जीरो रीडिंग नहीं दिखाता, मतलब ऑन नहीं होता है। और सेचुरेशन पॉइंट वोल्टेज पहुंचने के बाद, जो कि हमने देखा 0.8 वोल्ट है, इसमें पहुंचने के बाद ये बहुत ज़्यादा हाई करंट पे चला, बहुत हाई करंट दिखाता है वो। तो अभी ये इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अभी हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी करेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में अभी क्या करेंगे, आई बी जो है वो 50 मिली एम्पियर पे हमने, जो कि ये वाला है आई बी 50 मिली एम्पियर पे हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, और वी सी ई इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, और ये आई सी मतलब कलेक्टर करंट इसमें हमने देखना है कितना रीडिंग दिखाता है। तो अभी हम इसको हम 50 पहले ऑन करते हैं, सॉरी, इसके बाद हमने 50 मिली एम्पियर पे हमने कांस्टेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं 50 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट हो गया है। अभी इसको हम ये वाले को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं 2 वोल्ट हो गया है, और इसमें आप कोई भी रीडिंग नहीं आया है, और ये 4 वोल्ट हो गया है, इसका कोई रीडिंग नहीं आया है, और ये 8 वोल्ट हो गया है, इसका थोड़ा थोड़ा अभी आप देख सकते हैं आया है, अभी ये 10 वोल्ट हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ आ नहीं रहा है, तो इसके हम जो 50 माइक्रो एम्पियर हमने कॉन्स्टेंट रखा था, इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे, और इसको अभी हमें 100 माइक्रो एम्पियर हमने कर दिया है। अभी हम देखेंगे इस पर क्या होता है। आप देख सकते हैं 2 वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर तक आ गया है, और ये 6 वोल्ट पे वही है, तो इसमें भी इतना ही है। अभी आप देख सकते हैं 2 वोल्ट के बाद जितना भी मैं इंक्रीज करता हूँ वोल्टेज, लेकिन हमारा जो मिली एम्पियर का जो हमारा आई सी है वो कॉन्स्टेंट ही आता है। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ रहता है वो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, और आप बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। तो ये रहा आज का जो ट्रांजिस्टर का सीई और सीबी कैरेक्टरिस्टिक था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। थैंक यू।